हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय राम जी की। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साधारण व्यास से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब इस साधारण व्यास से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में हम आपको सॉल्व करवाएंगे, हल करवाएंगे, समझ सकते हैं। और हम आपका पहला क्वेश्चन है आपका इसका 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये की राशि 11 तिथि से वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज के, मतलब इसने या दय हूँ या लय हूँ, 9 माह के लिए हमें लय है 11 रुपये से ग्रास है। इस दर प्रतिशत का मतलब होता है 11 रुपये से, प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 आएगा। अब जैसे ये प्रतिशत है, प्रतिशत लगा है, तो इस प्रतिशत को तुम हटा दोगे, मतलब प्रतिशत का मान कितना होता है, प्रतिशत का 1/100 होता है, तो जिसके गुणा में लिखा तो गुणा लगाओगे 1/100, तो कितना हो जाएगा 11/100। 11/100 हो जाएगा। प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100 है, प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100। तो देखो, तो ये होता 100 रुपया पे 11 रुपया ब्याज लगेगा आपका। अगर तुम 100 को ले रहे हैं तो 11 रुपये का लगना आपका ब्याज, तो इसका मतलब ये हो जाता है 100 रुपया पे आपका 11 रुपया लगने। तो जी आपने 100 रुपये थोड़ी लिया है, यहाँ पर लगाया 10,000 रुपये, तो यहाँ पर 10,000 का ब्याज कितना होगा 9 माह के लाने, तो वो आपको बताने हैं। तो देखो, 100 रुपये में कितना, 11 रुपये ब्याज पर, मतलब 100 रुपये सैकड़ा, मतलब 11 रुपये सैकड़ा लाए, 11 रुपये में कितना, 11 रुपये ले भी तो जैसे 100 रुपये लाए तो 100 रुपये कितने लगने, 11 रुपये ब्याज लगने। तो इसको बोलते हैं अपन कैसे, 11 रुपया सैकड़ा ब्याज, 11 रुपया सैकड़ा उठना है बोले लगातार। जैसे आपके घर परिवार की तरफ जैसे कोई पैसा उधार ले रहे या कोई ले रहे, तो उस कर्ज ले रहे तो उसको बोलते हैं 2 रुपये सैकड़ा ले उधार, ठीक है, 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, ऐसे पैसे उधार लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो 11 रुपये से 11 रुपये सैकड़ा, और जो 9 माह के लिए, 9 माह मतलब महीना, महीना, ठीक है, साधारण ब्याज निकाले। अब यहाँ पर 10,000 रुपये ले, तो सबसे पहले बात चाहे कि आप जो कुछ दिया वो लिख लेंगे आपको। देखो, प्रश्न आपको कोई भी हो अच्छे से, अगर आपको दिया तो उसको 4 नंबर में आ, तो बेहतरीन तरीके से लिखना पड़ता है अच्छे से, वो उसको बेहतरीन तरीका होना चाहिए, उसकी लिखावट, अगर जो कुछ चेक करे ना आपकी कॉपी, उसको भी लिखना चाहिए कि क्या लिखा है बंदे ने। तो देखो, पी बराबर मूलधन दर, मूलधन कहता हूँ पी को, मूलधन को बोलते हो प्रिंसिपल, और मूलधन मतलब जो होता है कि अपन जो धन लाओ हो या जो पैसे अपन उधार दिए हो या लाए हो, तो वे होते हैं। तो जो 10,000 रुपये लाए या दाए कुछ भी हो, तो उसमें लिखा तो है नहीं के लिए कि 10,000 रुपये लाए वहाँ की दया बात देखिए, तो फिर 10,000 रुपये लिखे तो अपने जी आपका मूलधन कहलाएगा, ठीक है। और आपका दर है, रेट कितने को है, 11 रुपये सैकड़ा, तो 11 रुपये सैकड़ा चलत है। वार्षिक है, तो वार्षिक जब भी यहाँ पर वार्षिक लिखा हो तो समय भी आपका का होना चाहिए, वार्षिक होना चाहिए, ठीक है, एक साल होना चाहिए, टाइम भी आप जब तुम्हारे 1 साल के लाने फिक्स है, ब्याज भी आपको साल भर के लाने फिक्स है, टाइम का फिक्स है, दर आपने इसका काम क्या है, दर आपकी वार्षिक मतलब 1 वर्ष 1 साल पूजे जब लगने का है तुम्हें कितने 11 रुपये ना तो ना लगे। अब जब तुम्हारा 1 साल पूजे है, जब पूरा पूरा जब लगे तुम्हें 11 रुपये कितना, 11 रुपये ब्याज। अगर तुम्हारा पूरा भाई साल ही ना पूछे तुम्हें 11 रुपये कहाँ से लग जाए ब्याज, ठीक है, इन्हें तो 9 माह के ला डे लो, तो ठीक है, 9 माह 11 रुपये सैकड़ा से 9 माह का साधारण ब्याज है, 9 महीने, 3 महीने कम पड़ गए ना कितने, इसमें 9 माह लाए, 9 महीने के लाने लाए या माह बोल दो, तो इसको 3 माह कम पड़ गए, नहीं तो पूरा साल पड़ जाते तो उसको 11 रुपये ब्याज आ जाए, तो पूरा पूरा। अब इसमें से कुछ रुपये तो कम हुई है, कितने रुपये कम हुए हैं वो आपका इसको पूरे का करने पड़े। अब पूरे थोड़ी मिलने, 1 साल हो जाता जब पूरे रुपये मिलते, अब मिलने तो लेकर थोड़ी कम मिले ब्याज, तना मना कम जे रुपये भी कितनी कम है हम आपको बता रहे थे। 9 माह का साधारण ब्याज निकालने, तो 9 माह है, देखो यहाँ पर 9 माह है, तो इस 9 माह को आपको पूरा कैम बदलना पड़ेगा वर्ष में,
तो वर्ष में बदलने पर 9 माह, तो एक वर्ष में कितने माह, तो जो आपको पता करना है एक वर्ष में कितने माह होते हैं, कितने वर्ष होते हैं एक वर्ष में, कितने माह होते हैं 12 महीने होते हैं, माह या महीना एक ही बात है, 12 महीना। तो ठीक है, अब इसको 12 महीने में से कितने का पूरा, तो 12 साल है, 12 महीना पूरे, 12 महीना एक साल में, साल भूल गया उसके लिए सॉरी, 12 महीना। तो 12 महीना में से अपने कितने महीने के निकालना, 9, तो 9/12 महीने नहीं वर्ष, अब तो जी वर्ष बन गया ना, तो 12 महीने में से 9, 12 महीने में से अपन को कितने 9 महीने का व्यय चाहिए, तो ऐसा लिख देना, तो जी क्या हो गया वर्ष में बन जाता, क्या बन गया जी वर्ष में बन गया। अब इसको देखो 3 से जी काट सकते, 3 से दे, 3 चौके 3 तिरका 9, 3 चौके 12, ऐसा भाग जाता हो तो दे दो, सेम संख्या का भाग दिया हमने, 3 का इसमें दिया 3 का इसमें दिया, सेम अंक का भाग देना होता तो सेम अंक का हमने भाग दे दिया, सेम अंक मतलब समान अंक से भाग देना, तो 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 का भाग इसमें गया 3 का भाग इसमें गया, तो दोनों 3 3 से कटे तो डिवाइड हो गए, मतलब कटे, तो जी अब भी और थोड़ी सरल हो गया, मतलब हल्का हो गया, 3/4, 9/12 तो बहुत बड़ी बड़ी अंक लग रहे थे, इसको छोटा कर दिया, कितना 3/4 आ गया, इतना सही है। यहाँ के बाद देखो आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज हम आपको दोनों तरीका से बताएंगे, ठीक है, कैसे कैसे निकाल सकते हैं इसको। साधारण ब्याज को बोलते हैं कितना सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो ऐसा ही लिख देते हैं अपन कभी कभी, तो इंग्लिश नाम में ऐसा है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है, P/R मतलब पीक मूलधन दर समय बटे में कितना होता है 100 लगाता, जो सैकड़ा होता है मतलब 100 रुपये सैकड़ा लाए ना, 11 रुपये सैकड़ा, तो जिस सैकड़ा इसका होता है तो प्रतिशत का जाता नीचे। अब पी कितना आपका 10,000 लगाओ, गुणे दर कितनी है आपकी दर 11, समय कितना 3/4, यहाँ पर नीचे क्या लगाओगे आप 100/100। अब यहाँ पर क्या करोगे, जो 0 से 0 2 0 काट देंगे, क्योंकि 1 0 ऐसे भाग आ जाए जब भी, तो इसमें आप भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे इसमें जैसे 10,000 आपने ले लिया 10,000, इसमें 100 का भाग लगाओगे आपका 0 कट जाएगा, 100 का भाग देना आपको, ठीक है। तो यहाँ तो ये 2 डबल 0, तो यहाँ पर 3 0 3 अंक 100 से हम ले लो, 100 एकम 100, तो क्रॉस बन गया, ठीक है। अब एक दिन गया, अब यहाँ पर तो बस 0 तो आता है ना, तो जितने 0 यहाँ पर ना 0 पढ़ा देंगे, तो मतलब जितने 0 100 से 2 0 कट जाते हैं, ये 2 0 कट गए, इसे अपन पीछे से 0 काट देते हैं, गिन के 2 के 2, सो कितना बचेगा 100, घोड़े कितना बचेगा 11 घोड़े 3/4। अभी हमने अलग अलग काटा है आपको, बिल्कुल अलग अलग, देखो अब इसको देखो, जो 100 भी तो हमें 4 से भाग चला जाता, 100 में 4 का भाग तो देता, 4 का 4 2 8, 2 बचेगा, फिर 4 5 20 हो जाएगा, कट गया पूरा पूरा कट गया ना, तो 25 गुणे कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 11 गुणे 3, इतना हो जाएगा। जब आपको कितना आ गया, तो यहाँ पर ऐसा ही, अब यहाँ पर दिखता नहीं है तो आपको यहाँ से हम आपको बताएंगे, ठीक है, एक बार हम चेक कर लें कि वीडियो सही आ दिख रहा है आप लोग को कि नहीं दिख रहा है, बहुत गड़बड़ हो जाता है ऐसे में, अगर नहीं दिख रहा होगा सही तो फिर तो हमारा वीडियो पूरा खराब हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम वीडियो चेक करने पड़ता है हमको। यहाँ पर देखो इनका आपको गुणा करना है, गुणा करेंगे 25 गुणे 11 कर देंगे कितना आ जाएगा, तो सुबह 5 2 गुणा करके पूरा दिखाएंगे आपको, 1 को 5 मिल गया तो 5 2 जाएगा, ऐसे तो गुणा करते बनते जाते होंगे ना, ऐसे एक बार इनको फिर 5 और 2 5 2 7 2 75। अब इसमें आपको गुणा करना 3 का, ठीक है, 3 का गुणा बस करना, तो 3 5 15 1 7 और 3 5 15 1 7, 30 7 21 2 हासिल लगी, 21 में 1 जोड़ेंगे 22 हो जाएगी, 22 के यहाँ से लगाओगे तो 3 6 2 8, ये आपको कितना है 825 आ गया। देखो 3 5 15 1 7 30 7 21 में 1 जोड़ेंगे 22 के 2 हाथ लगाओगे 3 6 2 8,
यहाँ पर कितना आएगा आपका, जो सबरी का गुणा करोगे तो आपका आ गया 825 रुपये आ जाएगा। कितना जी आपका 9 माह का ब्याज। और अगर आपको पूरे साल का ब्याज चाहिए, पूरे साल का ब्याज है, देखो पूरे साल का ब्याज इसमें कितना आएगा, पूरे साल को निकालना है तो अपन 12 महीने करने पड़े, तो 12 महीने का ब्याज चाहिए पूरा पूरा। तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में निकाल के बता दें आपको, देखो 12 तो 10,000 जैसे कहते हैं लिखोगे, ठीक है 10,000 जो मूलधन आपका जैसे कहते हैं, और दर 11 रुपया, समय कितना है 1 साल मतलब 12 महीने, और पूरा यहाँ पर बटे में 100, तो जिस जिस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे बचेगा 11, मतलब 100 बचेगा, गुणा कितना 11, एक का करोगे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इतना ही आएगा। अब यहाँ पर इसमें गुणा करोगे तो कितना जाए 1100, कितना जाए 100 का गुणा करोगे 11 में तो 1100 रुपये आ जाएगा। 1 साल का ब्याज कितना आना था 1100, आपका कितने का लॉस हो गया ना, देखो अगर पूरे वो 1 साल ले रहता है ना, कितने का लॉस हो गया, तो 1100 में से 825 घटा दो, 825 घटा दो, 825 माइनस करोगे तो घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया तो 7, और 10 में से 8 गया 2, आपको 275 रुपये का लॉस हुआ। कितने रुपए का, इतने रुपए का आपको लॉस हो गया 3 महीने में। अगर ये 3 महीने और नहीं रहता पैसा, अब जो 3 महीने बाद और देता तो आपको कितने मिलते थे ब्याज, 1100 रुपये मिलते। अगर उसने 3 महीने के पहले ही तुम्हें दे रहे तो कितने 825, मतलब 275 रुपये आपका लॉस में चलोगा। ठीक है ऐसा होगा, मतलब घाटे हो गए थोड़ी सी, मतलब 3 ऑनलाइन 1 साल के ना, तो 1 साल पूरे तो पूरा, और आपको ऐसा हो के माइंड में आपके यार, तो 1 महीने का ब्याज कितना होगा, ये पूरे 1 साल का मतलब 12 महीने का ब्याज होता है, 12 महीने का ब्याज इसमें 12 का भाग लगा दो आपका 1 महीने का पता चल जाएगा। ठीक है तो एक जे 12 महीने का ब्याज है तो 12 का भाग लगा दो, तो इसमें 12 का जाएगा कहते हुए जाएगा, 12 8 96, 12 9 108, बाई दोनों 12 9 108, यहाँ पर 9 बार आएगा, तो 10 में से 8 गया 2 बचेगा, क्रॉस मार्क। अब यहाँ पर 0 उतार लोगे, 12 2 9 24, ज्यादा हो जाता 12 1 12, तो 10 में से 2 गया 8 1, और दिशा में लगाओ कि 0 उतारो 22 72 22 72 62 22 72, 10 में 2 गई 8, इतने आने 91.6 रुपये, 91.6 मतलब 60 पैसे तुम्हारी इतने ब्याज पड़ेंगे 1 महीने, 1 महीने पे ब्याज कितना पड़ेगा 91.6 रुपये। अब आपको निकालना कितने का था, 9 महीने का, 9 महीने का ब्याज, तो 9 महीने का ब्याज निकालना था, तो इसमें आपको क्या करना होगा, 9 को गुणा कर रहे हैं, देखो 91.6 में 9 का गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा, इसके बराबर आएगा शायद, भर आएगा थोड़ी मोड़ी कुछ फर्क पड़ जाए, 9 6 54, 9 6 54, 9 6 54 के 4 5 9 1 9, 5 14, 14 1 1, 14 1 1, 89 81 और 82, ठीक है 824.4 रुपये, मतलब थोड़ी अंतर पड़ गया, मतलब 1 ही रुपये का फर्क है थोड़े से डिफरेंस से, ऐसे में आ जाता क्यों, यहाँ पर था पूरा पूरा चला जाता तो कोई फर्क ना पड़ता। इसमें जो 12 महीने का है और जो इसमें 9 महीने का अपन ने इस प्रकार से निकाला, तो ऐसे में थोड़े घना अंतर है, देखो इतना अंतर आएगा 824 से 924, 5 14 9 81 82, 824.4 पैसे, मतलब 6 रुपये का 6 पैसे का डिफरेंस पड़ गया। अगर 6 पैसा बात होती 6 पैसे तो 6 4 10 हो जाता, हो जाए आपका 825, पर ज्यादा फर्क नहीं, इतना थोड़ी मोड़ी अगर ऐसे में डिफरेंस आ जाता यार, देख लेना आ जाता, इसमें कोई अंतर नहीं, लगभग आ जाते।
थोड़े मोड़े तो जैसा आ ही जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और आप लोगों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताने, और अगर कुछ कहीं पर गलत हुआ तो उसके लिए माफ करना हमको, या पर जैसे हम आपको बता रहे हैं तो हमको गोद ही नहीं लगता है कहाँ पर गलत हो गया ना हमको पता चलता है। अगर हम वीडियो डाल के बाद में देखें कोई हमको बताता है कि गलत हो गया, तो फिर हम देखते हैं तो हमको खुद लगता है कि यहाँ पर गलत हो गया, और लगाते थे मगर कोई वीडियो बनाता उसको कुछ पता ही नहीं होता कहाँ पर क्या हो जाता है। अब जिन लगा रहे यहाँ पर कोई ध्यान नहीं रहता, इतने ज्यादा आप बता रहे हैं बताते चल रहे हैं और पता नहीं चलता यार कहीं गलत तो हो जाता है यार, सबसे गलती होती है, इसलिए माफ कर देना यार भाई गलती हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना, और इसमें जीतने का फर्क आ ही जाता है, ठीक है, थोड़ी मोड़ी फर्क रहता है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जयराम जी की, धन्यवाद।